यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े बिजली प्रोजेक्ट नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना सहित कुल मिलाकर 3 सतलुज बेसिन परियोजनाओं को 4 दिनों के बाद खोला गया है, जिसके बाद बिजली बोर्ड ने राहत की सांस ली है। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से बंद पड़े सतलुज बेसिन के 3 बड़े पावर प्रोजेक्टों में बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। प्रोजेक्ट्स में उत्पादन शुरू होने से बिजली बोर्ड ने राहत की सांस ली है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स में उत्पादन बंद होने की वजह से बिजली बोर्ड को ना सिर्फ ग्रिड में उपलब्ध सरप्लस पूल बल्कि देश के दूसरे राज्यों से भी URS के तहत महंगी बिजली खरीदना पड़ रही थी। आपको यह भी बता दें कि सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ही बंद बिजली उत्पादन को बंद करना पड़ा था।